गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंकुर कुमार कर्णपाल। आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक इन फार्माकोग्नोसी, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल क्रूड ड्रग। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी क्रूड ड्रग क्या होती है। तो क्रूड ड्रग एक सिंपल ड्रग है जो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिल सकती है, एनिमल से मिल सकती है, उनके किसी पार्ट से मिल सकती है, और उसे क्या हम बहुत तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्या ड्राइंग से कर सकते हैं उसे, ठीक है, उसका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्लाइसिस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, और क्या नेचुरल फॉर्म में हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है। और उसे क्या है, हम जो क्रूड ड्रग हो सकती है हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, प्लांट से जैसे मिल सकती है, प्लांट किस किस पार्ट से मिल सकती है, लीव से, बार्क से मिल सकती है, रूट से मिल सकती है, राइजोम से मिल सकती है। तो ये सब क्या हमारी जो भी हमारी क्रूड ड्रग्स हैं ये हमें क्या है वेरियस फॉर्म से हमें मिल सकती है। चूँकि क्रूड ड्रग का विस्तार काफ़ी बड़ा है तो इसको इजीली माध्यम से समझने के लिए हमने इसको बहुत टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। तो उसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो हम किस किस बेस पे कर सकते हैं तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड आता है हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन और सिक्स्थ है हमारा कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या है, हमारा जो भी क्रूड ड्रग होगी वो अरेंज होगी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो भी हमारे लैटिन और इंग्लिश नेम होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है क्लासिफाई होगा कोई भी क्रूड ड्रग का केमिकल नेम। तो बात कर लेते हैं हम एडवांटेज क्या है हमारे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के। तो एक तो सिंपल मेथड है, इसको क्या है हमें कोई भी लोकेशन और उसका जो ड्रग का है ट्रेसिंग है वो बहुत इजी है, और कोई भी टेक्निकल पर्सन कोई भी इसके लिए नहीं चाहिए होता है, ये सिस्टम बहुत इजी होता है तो कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो डिसएडवांटेज देखते हैं इसका क्या है, साइंटिफिक नेचर क्या है हम पता नहीं कर सकते कि ड्रग का कैसा साइंटिफिक नेचर है, ओके। और उसके बाद क्या है, ये हमें कोई भी हेल्प नहीं करता है ये सिस्टम किसी को भी कि हम पता कर सके कि वो प्लांट या एनिमल या मिनरल सोर्स से मिला हुआ ड्रग है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो नाउ बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की। तो जैसे हमारा हो गया अकासिया, हो गया अगार, हो गया बेंजोइन, हो गया बीजवैक्स, हो गया सिंकोना, सिनमन, डिजिटलिस, धतूरा, एफेड्रा। तो ये सब हमारे क्या है अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं तो क्लासिफिकेशन के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो इसमें क्या क्रूड ड्रग्स हमारी जो अरेंज होती है टू टाइप्स में होती है, या तो क्या सेलुलर होगी या एसेलुलर होगी। तो हमें कहाँ से मिल रही है वो क्रूड ड्रग, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या अपना मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है। तो जो भी ड्रग होती है, ड्रग्स आर द डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड आर डिवाइडेड इनटू लीव्स, बार्क्स, वुड, रूट। तो ड्रग हमारी जो डायरेक्ट प्लांट के किसी पार्ट से मिल रही है तो हमारी क्या है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो हमें डायरेक्ट जैसे बार्क से मिल रही है, लीव से मिल रही है, वुड से मिल रही है, रूट, राइजोम से मिल रही है, तो हमारी क्या ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो अब बात कर लेते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की या एसेलुलर ड्रग की। तो ऐसी ड्रग क्या है जो किसी प्लांट का प्रोडक्ट है या एनिमल का प्रोडक्ट है या मिनरल सोर्स का प्रोडक्ट है। तो हम क्या जैसे किसी भी हमारा जो भी प्रोडक्ट है तो उसे हम डायरेक्ट प्राप्त नहीं करेंगे, तो हम उसको किस प्रकार प्राप्त करेंगे, किसी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। उसका जो प्लांट का ड्राइड लेटेक्स होगा, ड्राइड जूस होगा, गम होगा, रेजिन होगा, उसके थ्रू हम प्राप्त करेंगे, तो हमारा क्या है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो इसमें क्या क्रूड ड्रग्स को हमने किसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, केमिकल नेचर के आधार पर बांटा गया है जो किसी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें हमारा केमिकल नेचर के आधार पर जो हमने क्लासिफिकेशन किया तो हमारा इसमें आ जाता है एल्कलॉइड आ जाता है, ग्लाइकोसाइड आ जाता है, टैनिन्स आ जाता है, वोलाटाइल ऑयल आ जाता है, लिपिड आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, उसके प्रोडक्ट आ जाते हैं, रेजिन हो गया, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमने केमिकल नेचर के आधार पर हमने जो क्लासिफिकेशन किया है किसी भी क्रूड ड्रग का तो आ जाता है इसके अंदर हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो भी ड्रग्स होती हैं उसको हम किसके आधार पे क्लासिफाई करते हैं, हम करते हैं उसके फाइलम हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनिस हो गया, और स्पीसीज के अकॉर्डिंग हम क्या है पूरी जो भी हमारी क्रूड ड्रग है उसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें जो भी हमारी क्रूड ड्रग होगी हम उसको फैमिली के आधार पर, उसके ऑर्डर के आधार पर, फाइलम के आधार पर हम उसको ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इसमें क्रूड ड्रग को हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन
के आधार पर डिवाइड किया गया, जो भी उसमें मेन एक्टिव कॉन्स्टेंट होगा या थेरेप्यूटिक यूज होंगे क्रूड ड्रग, उसके बेस पे हमने क्या क्लासिफाई किया गया है। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो एग्जांपल है, जैसे हमारे कार्बामेटिव्स हो गए, एमेटिक्स हो गए, एंटी एमोबिक ड्रग्स हो गई, बल्क लैक्सेटिव हो गए, तो इसके हमने क्या है, सारे जो भी हमारी डिजीज़ हैं जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बेस पे हमने क्लासिफाई किया गया हुआ है, तो ये हमारी जो भी ड्रग्स हैं इसके अंदर आती हैं।